हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से जया इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र मिश्रा, आज मैं आपको चाइना एम्बेसी अटेस्ट कराने के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊँगा जो चाइना एम्बेसी अटेस्ट कराने के लिए क्या चीज़ बिल्कुल ही मैंडेटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना एम्बेसी अटेस्ट कराने के लिए आपके पास सबसे पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए। तो उस पर फर्स्ट अटेस्टेशन नोटरी को होगा, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बहुत लोग SDM भी बोलते हैं, उनका अटेस्टेशन होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का नॉर्मल अटेस्टेशन होगा। नॉर्मल अटेस्ट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट चाइना एम्बेसी में आपको डिपॉजिट कराना है, VFS सेंटर बना हुआ है, उसके बाद 3 से 5 वर्किंग डेज में वो लोग आपको प्रोसेस करके दे देंगे। और चाइना एम्बेसी अटेस्ट कराने के लिए क्या होता है, ये नोटरी का जो अटेस्टेशन होना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेस्ट होने के डेट से पहले का होना बिल्कुल ही मैंडेटरी है। चाइना एम्बेसी में एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम सा है, किसी भी कारण से आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, फीस लगभग नॉन रिफंडेबल ही माने, वो फीस लगभग लगभग नहीं मिल पाता है, तब भी और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।